चेक टेस्ट नजरें डालते हैं दूसरी पारी की तरफ। 72 का है टारगेट। चेक टेस्ट वाना प्रॉपर्टी सनशाइनर्स एंड एडी टॉयज एक्सपोनेंशियल and that's a sixer. Namrata steel, solid steel, solid sixer. Vismay Choksi, he's on strike. Jaisal is the ball in first over, 4 balls 7 runs. Edu Toy is exponential. 72 रन्स का टारगेट दिया है सनशाइनर्स के सामने एक्सपोनेंशियल टीम ने। लास्ट बॉल टू गो ऑफ दिस ओवर। रन्स बने हैं 8। ये है बीएनआई आईसीपीएल सीजन 6। Single to keep the strike. End of over number one. After first over, score is 9 runs without loss. Now we have Sumit Shetty to bowl in over number 2. Edu Toy's exponential ka safar kafi behtareen raha hai is BNI ICPL season 6 mein, and they would want to continue that form. White ball ka ishara. Ab tak Edu Toy's exponential ne ballebazi bahut behtareen ki hai aur ek bade target ko defend aasani se kiya hai kai martaba. लेकिन ये मैच में ये कहना होगा कि एडु टॉयज एक्सपोनेंशियल की गेंदबाजी की अग्नि परीक्षा है क्योंकि 72 डिफेंड करना है। ओ यहां पर मौका है, करीबी मामला और एम्पायर का इशारा नो बॉल का आ रहा है। लेग एम्पायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ यहां पर। इट वॉज अ क्लियर विकेट। अगर गेंद को स्टम्प्स के पीछे कलेक्ट करते तो निश्चित ही ये विकेट था, लेकिन स्टम्प्स के आगे कलेक्ट करने में चले गए और यहां नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा और फ्री हिट भी एम्पायर देते हुए। यूके रिसॉर्ट खपोली एक्स्ट्रा का इशारा एम्पायर की तरफ से आया और अगली गेंद फ्री हिट है। हर्षित गाला ऑन स्ट्राइक। विस्मय चौकसी जिन्होंने एक सिक्सर लगाया है। सुमित शेट्टी गेंदबाजी करते हुए। और ये निकलता हुआ सिक्सर। नम्रता स्टील, सॉलिड स्टील, सॉलिड सिक्सर दिस टाइम बाय हर्षित गाला जिन्हें जीवनदान मिला है इसी ओवर में। 19 रन्स हुए। क्या ये एक और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर? जी नहीं, इस मरतबा खिलाड़ी हैं तैनात वहां पर और ये गादला वाला विकेट इस बार बैटर को सुला डाला। Now we have Nikhil, the new batter in.
स्कोर 19 फॉर वन. सो एंड ऑफ ओवर नंबर 272 को चेस करते हुए टीम सनशाइनर्स का स्कोर दो ओवर्स के बाद 19 रन्स विद द लॉस ऑफ वन विकेट. ये एक्सपोनेंशियल वाले भी ऐसे मैच में जब टीम को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है तो शांत लग रहे हैं मुझे. ऐसे में तो ज्यादा चीयर अप होना चाहिए जब टीम के हालात अच्छे ना हो, क्योंकि अच्छे हालात में तो कोई भी सपोर्ट कर ले. क्योंकि रियल फैन तो वो माना जाता है ना जो मुश्किल हालात में ज्यादा सपोर्ट करे. थर्ड ओवर की शुरुआत हुई. नील है गेंदबाज. थैंक यू. यस यस आ गया सर नील. हाँ थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस. टू डॉट बॉल्स ऑन स्ट्राइक इज विस्मय. एक सिक्सर विस्मय ने लगाया है अपनी पारी में इस मैच में. ये खराब गेंद है. देखते हैं अंपायर का इशारा क्या आता है. नो बॉल सिग्नल फ्रॉम अंपायर. यूकेज रिसोर्ट एक्स्ट्रा. गेंद गई यूकेज रिसोर्ट खपोली. एक रन डिक्लेयर. जोन में शायद से गेंद गई है. अंपायर का भी इशारा वही आ रहा है. और इस मैच में एक्सपोनेंशियल की हर एक गेंदबाज को ये जिम्मा लेना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मेरा ओवर मेरी जिम्मेदारी. और ये व्हाइट बॉल का इशारा, क्योंकि एक भी ओवर अगर खराब चला गया तो आधा मैच हाथ से निकल जाएगा. और वहीं सनशाइनर्स खुश हैं कि अब तक रन अच्छे बने हैं, क्योंकि किसी भी टीम को जीतना है तो हर एक व्यक्ति को अपना कार्य करना पड़ेगा. ये डॉट बॉल. स्कोर 22. ये खराब गेंद है. इनफैक्ट नो है शायद से, या वाइड. नो नो बॉल का इशारा है. सो फ्री हिट रहेगी अगली गेंद. यूकेज रिसोर्ट कपोली का ये एक्स्ट्रा. और फ्री हिट का भी इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ. विस्मय इज प्लेइंग ऑन 9 रन्स जो इस समय स्ट्राइक पर हैं. एंड निखिल इज एट नॉन स्ट्राइकिंग एंड. सो डॉट बॉल टू एंड दी ओवर. तीन ओवर कंप्लीट हो गए और तीन ओवर्स के बाद स्कोर है 24 फॉर वन. नैना है गेंदबाज. तीन ओवर 24 पे एक. हमारे कैमरामैन इस समय हमारे स्कोरर्स को कैप्चर करते हुए. क्या डिस्कशन चल रहा होगा इस समय टीम एक्सपो और टीम सनशाइनर्स. सनशाइनर्स पूरी तरह से इस मैच में आगे नजर आ रहे हैं. अभी तक 24 रन बना लिए हैं तीन ओवर में सनशाइनर्स ने. नैना गेंदबाजी करेंगी. Three was 24 is what the score reads.
और नैना ऐसी प्लेयर है अपनी टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जब बोलो तब बल्लेबाजी के लिए उतर जाएंगी, गेंदबाजी के लिए भी रेडी है, चाहे फर्स्ट ओवर हो या फोर्थ ओवर हो। और ये खराब गेंद है, क्या कोई इशारा भी देंगे एम्पायर, देखते हैं शायद से नो बॉल का भी इशारा। जी हाँ, एम्पायर ने नो बॉल का इशारा कंफर्म किया और नो बॉल पर क्या है, चौका है या सिक्सर है, देखते हैं एम्पायर का इशारा। 6 रन का आता हुआ, सो नो बॉल एंड नम्रता स्टील सिक्सर, यूकेज रिसोर्ट एक्स्ट्रा एंड नम्रता स्टील सिक्सर, स्कोर हो गया 31। हाँ, लेडी बॉलर के वक्त फ्री हिट नहीं है नो गेंद के बाद। ये फ्री हिट गेंद भी सीधा फुल टॉस के अंदाज में खेली गई और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और नम्रता स्टील सिक्स। सो 2 sixes इन दिस ओवर, टोटल स्कोर इज 37। टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, दोनों ही बैटर्स जानते हैं इस बात को, वाना प्रॉपर्टी सनशाइनर्स निखिल और विस्मय। एडिटॉयज एक्सपोनेंशियल, विकेट्स भी चाहिए, रन्स भी बचाने हैं, दोहरी भूमिका हर एक प्लेयर को अदा करनी है। ओवर नंबर 4 में स्कोर 39 पर पहुंच चुका है, अभी भी ओवर में आने वाली 3 गेंदें बाकी हैं, ये ओवर नंबर 4। लेडी बॉलर की ओवर में अगर एक गेंद पर सिंगल रन बनता, हर एक गेंद पर सिंगल सिंगल भी बनता है तो दे वुड नॉट माइंड इट। 40 हुआ स्कोर, 40 रन्स। और अब ये निकलता हुआ निखिल दुबारिया के बैट से नम्रता स्टील सिक्स। लास्ट बॉल टू गो, स्कोर 46। सनशाइनर्स 46 पर जा पहुंचे हैं और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, बाउंड्री लाइन पर जब तक गेंद फील्ड होगी एक रन ना दे विल गेट इजिली। एंड ऑफ ओवर नंबर 4, 4 ओवर कंप्लीट हुए और 4 ओवर्स के बाद स्कोर है 47 और अब 4 ओवर्स में 25 रन और चाहिए। आई रिपीट, 47 बन चुके हैं 4 ओवर में और आने वाले 4 ओवर्स में 25 और बनाने हैं। जैसल तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी के लिए, निखिल दुबारिया और विस्मय चौकसी, वाना प्रॉपर्टी सनशाइनर्स के ये दो बैटर्स। और मौका है यहां पर विकेट लेने का, जी हां, ये मिलती हुई बड़ी सफलता, गादला वाला विकेट का बदन, विकेट नंबर 2। सो टीम एक्सपोनेंशियल के लिए उम्मीद की एक किरण यहां पर जागती हुई, क्योंकि अब जो अगली बैटर आएंगे आएंगी वो है लेडी बैटर। सो आई एम श्योर एक्सपोनेंशियल का जो सपोर्ट है, जो उत्साह है, वो और ज्यादा बढ़ चुका है। अब 23 बॉल में 25 रन्स बनाने हैं, दैट्स व्हाट द इक्वेशन। मेरा रिक्वेस्ट है सभी टीम के सपोर्टर्स से कि अपनी टीम को सपोर्ट करें, सामने वाली किसी भी टीम को गलत ना कहें, अपनी टीम के लिए जितना पॉजिटिव हो उतना कह दें, लेकिन किसी के लिए भी निगेटिव ना कहें प्लीज। क्या ये नो बॉल है? जी हाँ, एम्पायर ने नो बॉल का इशारा दिया, यूकेज रिसोर्ट खपोली का ये एक्स्ट्रा नो बॉल। फ्री हिट भी मिलेगी, अब सामना करेंगे फ्री हिट का विस्मय चौकसी। 24 रन्स,
सिंगल के साथ टीम सनशाइनर्स के 50 रन पूरे होते हुए, 50 अप फॉर टीम सनशाइनर्स इन 4.2 ओवर्स, सो 22 बॉल्स एंड 22 टू विन दिस गेम. इट्स अ वाइड बॉल सिग्नल फ्रॉम एम्पायर, वन मोर एक्स्ट्रा यूकेज रिसोर्ट, वन मोर यूकेज रिसोर्ट खपोली का एक्स्ट्रा वाइड बॉल. Good ball this time by Jessel. ये है स्कोर. ये जबरदस्त शॉट है नेहा के बैट से. A single taken this time by Neha. Score is 53. 19 runs बनाने हैं in remaining 20 balls. Oh, good ball this time. Is that a wicket? There is a huge appeal. जोरदार इमोशनल अपील थी जिसको हमारे एम्पायर ने मुस्कुराते हुए नकार दिया. रन अ बॉल इक्वेशन हियर. ओ यहां पर एक रन शायद कंप्लीट हो जाएगा. जी हां, ओवर थ्रो के चलते ये रन आउट भी हाथ से निकल गया और साथ ही साथ एक रन भी ले लिया विस्मय चौकसी ने. ओवर कंप्लीट हुए पांच ओवर के बाद स्कोर है 54. अब 18 बॉल्स में 18 रन्स चाहिए, 18 बॉल 18 की जरूरत. मिस्टर शेट्टी विल बॉल इन ओवर नंबर 6. 18 पे चाहिए 18. On strike is Mr. Choksi. He is playing on 26. Team score is 54 for 2 after 5 overs. And the equation is 18-18. Will they go for one? Yes, they have gone for one. That means lady player Neha will take the strike. Neha Parekh. That's a dot ball. So, Mr. Shetty will try to capitalize on this occasion when there is a lady player on strike. Is that one more dot ball? Chance of a run out. But she misses it and no runs taken at all. 8-2 is exponential. Do dot ball rahi. Aur ek single is over mein. Be a single, so it's score 56. Economical bowling in this over so far by Mr. Shetty, conceding only 3 runs in 5 balls. Last ball to go of this over. Defensive stroke by Neha. End of over number 6. So a very good over comes to an end for Team Exponential. So after 6 overs, that score is 57. Now the equation is 12 balls and 15 to win. 12 ball mein 15 ki zarurat hai. Kya Vismay Choksi bade stroke ke liye jayenge ya fir single double bhi continue rakha jayega. Dhire dhire match jo hai wo ab dono teamon ke liye 50-50 wali situation mein aage badh raha hai. हालांकि अभी भी जो मोमेंटम है वो टीम सनशाइनर्स के पास है बिकॉज दे हैव लॉस्ट ओनली 2 विकेट सो फार. बट इन द गेम ऑफ क्रिकेट यू नेवर नो कब चीजें बदल जाएं. 12 पे चाहिए 15. इस ओवर की पहली गेंद और एक रन लेना चाहते हैं विस्मय चौकसी. क्या ये जरूरी था या फिर ये भारी पड़ेगा क्योंकि नेहा है स्ट्राइक पर और नेहा के खिलाफ गेंदबाज चाहेंगे कि 2-3 गेंदें डॉट करा ली जाएं जो पिछले ओवर में भी हमने देखा. ग्यारह पे चाहिए 14. 11 बॉल्स 14 रन्स टू विन.
आसान सा कैच है, कोई गलती नहीं करेंगे वहां पर खिलाड़ी, और यहां मिलती हुई ये सफलता, गादला वाला विकेट बैटर को सुला डाला। टेन बॉल्स 14 टू विन, वी हैव आशुतोष जैन द न्यू बैटर इन, हिल टेक अ सिंगल। सो नाउ द इक्वेशन इज 9 बॉल्स एंड 13 टू विन। इंटरेस्टिंग टू सी कि बहुत सारे समर्थक इस मैच को देख रहे हैं एंड हमारी पार्टनर्स में फिटनेस पार्टनर भी हैं जो इस मैच को बड़े गौर से देख रही हैं। Oh, that's a good looking stroke by Vismay Choksi. That's a sixer. Namrata steal sixer. Our fitness partner Madhu Raina is there. She's also watching this game. Wide score. Ab 7 runs chahiye in remaining 8 balls. Ball again by Harsh. Last ball to go. 7 balls, 7 to win. Oh, there was a chance. Difficult chance was there. जो कि drop हो गया हाथ से. Over complete हुआ 7 overs के बाद score है 66. And now the equation is also 6-6. 6 balls and 6 to win. Let's see, कौन आते हैं अभी इस ओवर में गेंदबाजी के लिए? निखिल देसाई is getting ready to ball in this over. एनडी 6 बॉल पे चाहिए 6 रन। सिक्स बॉल 6 टू विन। सनशाइनर्स या फिर एक्सपोनेंशियल। सो पहली गेंद तो रही डॉट। और ये व्हाइट बॉल का इशारा। अब 5 पे 5 की जरूरत। सिंगल टेकन बाय आशुतोष। 4 बॉल पे अब 4 रन चाहिए 4 बॉल्स। मेरे स्कोरर साहब अपडेट जो कर रहे हैं। जागो मोहन प्यारे, गुड मॉर्निंग। 4 पे 3 की जरूरत। यस, 4 बॉल 3 की जरूरत। जस्ट 1 अगेन। और अब सनशाइनर्स को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए इन रिमेनिंग 3 बॉल्स। सो विद दैट सिंगल स्कोर्स आर लेवल, जस्ट 1 टू विन। सनशाइनर्स को यह मैच जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की अब जरूरत है यहां पर, और 2 गेंदें बची हैं। इशारा आता है एम्पायर की तरफ से, 2 बॉल्स एंड जस्ट 1 टू विन। और क्या ये विनिंग रन है? जी हां, 1 रन यहां पर मिलता है। और इसी के साथ सनशाइनर्स ने ये मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया है। मेनी कांग्रेचुलेशंस टीम सनशाइनर्स एंड हार्ड लक टू टीम एक्सपोनेंशियल।